हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों हो जाता है इसके क्या लक्षण होते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक नॉर्मल डिजीज़ है ये किसी को भी हो सकती है मेल एंड फीमेल दोनों को हो सकती है और ये आ, ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि इस समय हो सकती है कभी भी हो सकती है इसके आ, होने के कुछ मेन रीज़न होते हैं जैसे कि आप हाइजीन मेंटेन नहीं करके रखते हैं या फिर आप ज़्यादा गर्म निरोधक कंट्रासेप्टिक पिल्स का यूज़ कर रहे हैं या आप हाई एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं या आपकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है इन कारणों की वजह से आपको इन्फेक्शन बार बार हो जाता है और कई बार ये कोई रीज़न नहीं होने के बावजूद भी ये इन्फेक्शन ऑटोमेटिक ही हो जाता है कई बार मौसम के कारण भी ऐसी समस्याएं पेशेंट को होने लगती हैं जबकि पेशेंट की इम्यूनिटी भी वीक नहीं है ऐसे कोई डिजीज भी नहीं है या वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं ना कंट्रासेप्टिक पिल्स का यूज़ कर रहे हैं ना हाई एंटीबायोटिक ले रहे ऐसे कोई आ, वो ऐसा कोई मैटर ही नहीं है पेशेंट के साथ में फिर भी उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि यूरिन में बर्निंग या पेशा में बहुत तेज जलन होना कई बार ये हर एक पेशेंट को नॉर्मल कभी ना कभी ये होता ही है चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो मेल फीमेल दोनों में ये कॉमन ही होता है और किसी को भी हो सकता है सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम किडनी स्टोन वाले पेशेंट को सबसे ज़्यादा होती है यानी कि जिनको पथरी की समस्या है उन पेशेंट में बर्निंग की समस्या सबसे ज़्यादा कॉमन देखी जाती है चाहे वो कोई भी स्टोन हो पेशेंट को चाहे वो किडनी स्टोन हो चाहे ब्लेडर स्टोन हो कोई भी स्टोन हो तो उन पेशेंट को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है देखिए इसके आ, होने के सिम्टम्स क्या होते हैं और ये और क्या मुख्य वजह हो सकती है इसको होने की जैसे कि आप कई बार पेशाब लंबे टाइम तक रोक रोक के रखते हैं और पेशाब अच्छे से नहीं करते हैं यानी कि यूरिन पास बराबर तरीके से नहीं करते कि थोड़ा सा किया और आधा रख लिया कई बार पेशेंट को जल्दबाजी होती है तो इन कारणों से भी और डिहाइड्रेशन के कारण भी ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है ओके इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब भी अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है या आज तक नहीं हुआ है कभी भी होगा तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं जिससे कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है सबसे सब फर्स्ट लक्षण होता है हमारा सिम्टम्स कि बार बार यूरिन आना जब भी आप यूरिन करने जाते हैं तो आपको बहुत तेज जलन यानी कि बर्निंग होती है यूरिन पास करते समय कई पेशेंट को अगर सीरियस कंडीशन होती है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है यानी कि उनकी जान निकल जाती है बिल्कुल इतनी जलन भी होती है कई बार साथ ही में आपको पेट में और पेट के निचले हिस्से में कमर में भी दर्द हो सकता है यानी कि कई बार ब्लैडर पे स्वेलिंग आ जाती है जिसके कारण भी आपको काफ़ी पेन महसूस होता है यानी कि दर्द हमेशा बना रहता है साथ ही में बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होती है पर यूरिन करते टाइम आपको पेन और जलन होती है कई बार यूरिन के साथ में पस और ब्लड भी आ सकता है कई पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उनको जब यूरिन पास करते तो दो चार बूंद आठ दस बूंद ब्लड भी आ सकता है कई बार पस भी आने लगता है यूरिन का कलर तो नॉर्मली चेंज हो ही जाता है और ये ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है बैक्टीरिया हमारी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करने के कारण भी बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं कई बार और किसी डिजीज़ के कारण चले जाते हैं या कई बार आप जो आ, पेंटी पहनते हैं वो सूखी हुई नहीं है कई बार पेशेंट जल्दी जल्दी में गीली ही पहन लेते उसके कारण भी ये बैक्टीरिया चले जाते हो जिसके कारण हमें नॉर्मली यूरिनरी इन्फेक्शन होने लगता है हम इससे कैसे बच सकते हैं देखिए जब भी अगर आपको ये यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है या होने वाला है तो हमें कई सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं जैसे कि हमें हल्का फुल्का फीवर आना टॉयलेट करते समय हमें पेन होना थोड़ी सी जलन होना या कमर में दर्द होना पेट के निचले हिस्से में दर्द होना अगर आपको ऐसी कोई समस्याएँ दिख रही है या तुरंत यूरिन में जलन होने लगती है यूरिन पास आउट करते टाइम तब आपको जैसे कि कुछ कोल्ड चीज़ों का यूज़ करना है जैसे कि आप मट्ठा, जिसको हम बोलते हैं कि छाछ या फिर मही बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें काला नमक डाल के एक ग्लास मट्ठा में आप आ, दो चुटकी काला नमक डाल के आप उसको घोल के पी जाइए उससे भी क्या होता है कि आपका यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी कम होता है साथ ही में पानी का लेवल बढ़ा दीजिए अपनी बॉडी में पानी को आपको बॉइल करके यानी कि अगर आप फिल्टर वाला पी रहे हैं तो वही पीजिए और अगर आप नॉर्मल वाटर पीते हैं तो आपको पानी को उबाल के ठंडा करके फिर रखना है और फिर उसको पीना है साथ में आप नारियल पानी भी पी सकते हैं दिन में दो बार नारियल पानी पी सकते हैं और आपको पानी का अपना वाटर लेवल बढ़ाना है कम से कम आठ से दस ग्लास पानी आपको नॉर्मली पीना है जब यूटीआई की प्रॉब्लम होती है कई बार यूटीआई की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन बॉडी में पानी की कमी के कारण देखी जाती है जैसे कई पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो जाता है अब टाइफाइड फीवर हो गया तो पेशेंट को ना तो खाने की इच्छा होती है मुँह का स्वाद चला जाता है खाने में कोई टेस्ट नहीं आता है जब पेशेंट खाना अच्छे से नहीं खाते हैं तो फिर उनको भूख भी नहीं लगती और प्यास भी नहीं लगती तो ऐसे केसेस में यूटीआई सबसे जल्दी होता है तो सबसे ज़्यादा आपको पानी पीना है पानी जितना ज़्यादा पीएंगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी अगर आपको इन चीज़ों से आराम नहीं मिल रहा है तो फिर आपको अपने नीरज डॉक्टर को दिखाना चाहिए डॉक्टर आपको जैसे कि एल्थलाइजर प्रिस्क्राइब करेंगे जो सिरप होती है जैसे यूरिकाइंड यूरीमैक्स इस नाम से कई सिरप मार्केट में अवेलेबल होती है और इनको जैसे कि हम कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या आ, कितना डोज देना है वो एज वेट एंड आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको डिजीज है और कितनी है नॉर्मली अगर हम एंड सिरप की बात करें एंड टेबलेट भी आती है ये हमारे यूरिन में जो इन्फेक्शन है उसको कम करती है यूरिन को फ्लो अच्छा करती है उसको हम पानी में मिक्स करके पीते हैं जिससे पाँच एम को हम आधा कप पानी आ, जो चाय का कप होता है उसमें आप हाफ कप पानी वाटर लीजिए उबाल कर ठंडा करके और पाँच से दस एम हम हम यूरिकाइंड सिरप लेके उसमें मिक्स करके पी लेते हैं तो पेशेंट को जल्दी से रिलीफ मिल जाता है अगर आप इस टाइप से अपनी केयर करेंगे कि हाइजीन मेंटेन करके रखें गीले कपड़े ना पहनें आप इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करके रखें डिहाइड्रेट बिल्कुल डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए पानी की कमी ना रखें अगर आप इन सब चीज़ों से थोड़ा परहेज करेंगे यानी कि ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको यू होने का कोई सवाल ही नहीं होता है और आप हमेशा बीमार बन के ना रहिए अगर बीमार है व्यक्ति तो उसको ये कई समस्याएं होती जाती है ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद